ये एक बहुत सौभाग्य की बात है कि विद्यालय में 1974 के बैच के जिन्हें आज पूरे 50 वर्ष हो रहे हैं वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए विद्यालय में पधारे हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लोग जिन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाकर उस ग्रुप में से 50 लोग आज यहाँ पहुँचे हैं विद परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, ये ताज़ा करने के से कि हम किस प्रकार से इस विद्यालय से पढ़े, क्या क्या हमने काम किया, किस प्रकार से हमारा विद्यालय इस रूप में है। आज ये सभी यहाँ आकर बहुत खुश हैं, विद्यालय का स्टाफ भी इनका सहयोग प्राप्त कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि इनका अभिवादन करते हुए कि जब कभी भी इनको मौका मिले जो भी विद्यालय के प्रति बनता है वो काम करें। इनका ये एलुमनी मीट आज बहुत ही शानदार रहा, जो दो दिन का एलुमनी मीट था जो आज ये दूसरा दिन समापन का है। कुछ लोग इनके साथ जो यहाँ जुड़े हुए हैं वो लगातार अजमेर से जुड़े रहेंगे और शेष लोग जो बाहर से आए हैं उनसे भी संपर्क में रहेंगे। आज सभी जो इनके साथ जो व्यक्ति आए हैं जो इनके भूतपूर्व विद्यार्थी रहे हैं उनको सम्मानित किया, उसमें से ऐसे खिलाड़ी जो फुटबॉल के रहे जिन्होंने बाहर से पूरे इंडिया लेवल पर जो उन्होंने भाग लिया उनको आज इन्होंने शॉल ओढ़ा कर सम्मानित किया, जो बाहर से यूएसए से आए, विदेश से आए, दिल्ली से आए और अब्रॉड से आए उन सबको भी सम्मानित किया कि वो विद्यालय में पधार कर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कराएँ। अभी इन्होंने आश्वासन हमको दिया है कि जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी जो भागीदारी है वो ये निभाएगा और इस स्कूल के प्रति जो भी इनसे ऊपर पड़ेगा वो ये करेंगे और अपनी शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी इनको कि इनका उज्ज्वल भविष्य रहे, दीर्घायु रहे और इसी प्रकार से विद्यालय की सेवा करते रहें। मैं शंकु सिंह लावा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा अजमेर में स्वर्ण जयंती पुनर्मिलन कार्यक्रम यानी गोल्डन जुबली रीयूनियन प्रोग्राम आज 6 जून 2024 को इसी विद्यालय में समापन की ओर है। हम सभी लगभग 50 विद्यार्थी सपत्नीक इस विद्यालय में जो 50 वर्ष पूर्व 1968 से 1974 के दौरान अपनी शिक्षा ग्रहण कर करके चले गए, अपने अपने व्यवसायों कार्यों से निवृत्त होकर के आज हम पुनः मिले हैं, बहुत गौरवान्वित आनंदित महसूस कर रहे हैं। ऐसा ऐतिहासिक क्षण शायद ही कभी हमने जीवन में अनुभव किया हो। बहुत ही उल्लासित और उत्साहित हैं हम लोग, अपने विद्यालय को वापस उसी स्वरूप में हम पा रहे हैं जिस स्वरूप में हम छोड़ के गए थे। ये विद्यालय पहले भी हमारे लिए पूजनीय था, आज भी उतना ही पूजनीय है। यहाँ की विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से भी चर्चा हुई, आज बारिश के बाद 1978 के बाद इसका जो स्वरूप बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, आज उनके प्रयासों से ये विद्यालय वापस अपने नए स्वरूप में पुनर्स्थापित हुआ है। हमें बहुत खुशी हुई और आगे भी हमने भविष्य में इसी प्रकार से वर्ष प्रतिवर्ष मिलने का कार्यक्रम बनाया हुआ है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। इसका हमने मोमेंटो देकर सभी को सम्मानित किया है, सर्टिफिकेट दिए हैं, विद्यालय के सभी कर्मचारियों का, अध्यापकों का, प्रिंसिपल साहब का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा हमें, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को कंधे से कंधा मिलाकर सफल होने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय शंभू सिंह जी लांबा हैं और उनके विचार भी हमें सुनने को मिले, बहुत बहुत अच्छा हमने महसूस किया। उनके सद प्रयासों से ही आज इस वास्तविक स्वरूप में, अच्छे स्वरूप में हम इस विद्यालय को पा रहे हैं। मेरा नाम भीष्म बच्चानी, आज के कार्यक्रम का मैंने संचालन किया, मैं दिल्ली से आया हूँ, इसी विद्यालय में पढ़ा हूँ।